यज्ञ के अनुष्ठान के साथ अपने जीवन को अग्नि जैसा तपा करके, जला करके, जैसे सूरज अपने को तपाता है, जलाता है और दूसरे को लाभ देता है, दूसरे को वही लाभ दे सकता है, दूसरों को परोपकार वही कर सकता है जो अपने को संघर्षों में दिएगा, अपने को कष्टों में दिएगा, अपने को जलाएगा तपाएगा। बिना अपने को जलाए तपाए कोई व्यक्ति या दुनिया में कोई विधान नहीं है जो दूसरे को लाभ दे सकता है। जैसे बीज को जमीन में डालते हैं तो पहले वाला बीज क्या होता है, अपने को ना खत्म कर देता है, अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है और उसमें से एक नया बीज निकलता है, अंकुरण होता है। यानी हम अपने पुराने अस्तित्व को खत्म करके और नई चेतना के साथ, नए उमंग के साथ अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं। तो आइए अग्नि का दर्शन करते हुए लपटों का और तीन मंत्रों से घी को डुबो लेते हैं उसकी संध्या में और एक एक डालेंगे। एक ही व्यक्ति ओम अयंतित में आत्मा जात वेदस्ते ने दस वर्धस्व चेधर दे चास्मान प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्चस नान्या देन समय दया उत्तर दिशा में पहले लकड़ी को डाल देंगे। आता है और जीवन हमारा शुद्ध और सात्विक हो जाता है।